नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जन सरोकार मंच की बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस मंच में मैं पुनः मुझे मौका दिया। आज मैं अपने इस पुस्तक के विषय में जो अभी अभी नई प्रकाशित हुई है अस्तित्व प्रकाशन से आरण्य, ये पुस्तक से ही मैं आज अपनी कविता पाठ करने वाली हूँ। ये पुस्तक का जो कवर है इससे ही समझ में आ रहा है कि ये आदिवासी समाज के विषय में मैंने इसमें सारी कविताएं लिखी हैं। तो बहुत सी कविताएं हैं इसमें, कुल कविताएं हैं इसमें 48-49 कविताएं हैं और पूरी जंगल के विषय में है। तो इसमें से कुछ कविताएं सुनाती हूँ। जंगल 37। बात गहरी है, बात गहरी है, कभी नदी में, कभी पहाड़ों में, कभी आत्म संघर्ष करते हुए। बात गहरी है, कभी नदी में, कभी पहाड़ों में, कभी आत्म संघर्ष करते हुए दलदल में जाकर फंसी है। अभाव में कौन सी प्रेमिका हंसी है, अभाव में कौन सी प्रेमिका हंसी है, अथाह की गोद में दूधिया ससी है, अथाह की गोद में दूधिया ससी है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, चैतन्य निद्रा में, कौन है, कौन है, चैतन्य निद्रा में, आत्मगत तंद्रा में, वक्ष को चीर कर, प्यास को अधीर कर, पीड़ा को नीर कर, भाव को समीर कर, संवेदना को अबीर कर, डूब कर, तैर कर, लौट कर, ला दो विधाता को, ला दो विधाता को, उस दाता को, संवाद को, जागृत रखो आत्मा को, मत काटो जंगल को। अनुरोध है मेरा सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, मत काटो जंगल को, साक्षात उस परमात्मा को, त्यागपूर्ण आत्मा को। ये एक अनुरोध थी मेरे सभी भारतवासियों से कि मत काटो जंगल को। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो प्रकृति, नदी, पहाड़, जंगल, जो हमें इतना सब कुछ देते हैं, हम उनका भी सम्मान नहीं कर पाते, तो हम लोगों का कैसे सम्मान करेंगे, है ना। जब नदी हमें पोषित करती है, हम सांस लेते हैं जिस प्रकृति की कृपा से, जब हम उसका आदर नहीं करते, हम उसको काटते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का आदर हम कैसे कर पाएंगे जब हमारे अंदर इस तरह की भावना ही नहीं। अब एक दूसरी कविता सुनाती हूं मैं। सारे ही कविता इसी तरह से लिखा है मैंने। जंगल में जंगल के लोग, जंगल में जंगल के लोग बह जाते हैं नदी के साथ, जंगल में जंगल के लोग बह जाते हैं नदी के साथ, अड़ जाते हैं पहाड़ के जैसे, गड़ जाते हैं जड़ के जैसे, गड़ जाते हैं जड़ के जैसे, पैदल चलते हैं पाताल लोक तक, पैदल चलते हैं पाताल लोक तक,
भूल जाते हैं खुद को, कभी उड़ने का प्रयास करते हैं तो कभी शिकार करते हैं, कभी आकार में कभी प्रकार में, गुड़ को अवगुड़ में खोजते हैं खुद को, विस्मृत जड़ी बूटियों को, कभी बोटियां कभी रोटियां कभी बोलियां, कभी बोटियां कभी रोटियां कभी बोलियां, सुनने को सुनाने को नानी की कहानियां, सुनने को सुनाने को नानी की कहानियां, जो अकड़ कर पकड़ लेती थी नाग और कोबरा, पीस लेती थी चट्टानों में इमली और खोबरा, पानी पत्थरों से छनकर निकले जहां, पानी पत्थरों से छनकर निकले जहां, संवेदना बूंद बनकर नदी से मिले जहां, कमल पत्रों में मोती सजल, कमल पत्रों में मोती सजल, सब कुछ अनमोल, सब कुछ अनमोल, क्या सुविधा संतोष दे सकता है, क्या सुविधा संतोष दे सकता है, क्या जल जमीन जंगल में कोई ज्योत जला सकता है, क्या जल जमीन जंगल में कोई ज्योत जला सकता है। ये प्रश्न कर रही हूं मैं मानव समाज में। एक और कविता है, आज मैं इसी पुस्तक के से ही सारी कविताएं सुनाने वाली हूँ, और इस पुस्तक की जो मैंने अपनी बात लिखी है वो भी थोड़ा आपके साथ साझा कर रही हूँ। जंगल न्यायपरायण है, बाजार से दूर, आकलन से विमुख, वह साधक है जिसमें प्रकृति रूपी मठ को युग से युगांतर तक, युग से युगांतर तक बिना सत्ता के लोभ के सत्ताधारी बन पालन पोषण करने का प्रयास किया है। ये सारे ही जो कविताएं हैं और ये जो मेरी अपनी बात है, ये बहुत सहज तरीके से मैंने लिखा है, इसे कोई क्लिष्ट भाषा नहीं दिया इसमें मैंने, और अपनी बातों को सहज और सीधे सरलता के साथ, क्योंकि आदिवासी समाज खुद ही इतना सुंदर और सरल और सीधा समाज है, और मुझे लगता है कि अभी का जो युग चल रहा है और जो भी परिस्थितियां जो देख रही हूँ उसमें सहजता जो है ना वो विलुप्त हो गई है, सहजता नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, और लोग कठिन होते जा रहे हैं, बहुत क्लिष्ट। नियम अधिनियम आयोग विभाग न होते हुए भी, नियम अधिनियम आयोग विभाग न होते हुए भी जहां का संचालन श्रेष्ठ प्रतीत होता है, क्योंकि मौलिकता का मुकाबला निश्चित ही अनिश्चित काल तक कोई नहीं कर सकता है। जिस आध्यात्मिक शिक्षा की बात मानव जाति करके खुद को सभ्य और सुसंस्कृत साबित करना चाहती है, जिस आध्यात्मिक शिक्षा की बात मानव जाति करके खुद को सभ्य और सुसंस्कृत करना साबित करना चाहती है, जंगल के पास स्वाभाविक तौर पर वह नैतिक शिक्षा विद्यमान है। कभी कभी मैं सोचती हूं तो बहुत शर्म आती है, कभी कभी मैं सोचती हूं तो बहुत शर्म आती है खुद को मानव समझने में। अब मैं स्वयं को जंगल कहना चाहती हूं। मेरे लिए जंगल एक उपाधि है जो चेतन की समाधि से स्वयं को साधक सिद्ध करता आया है। जंगल की शांति अद्भुत है, जंगल की शांति अद्भुत है, जंगल का विद्रोह न्याय संगत है,
जंगल का विद्रोह न्याय संगत है, जंगल का संचार, जंगल का विस्तार ही है। जंगल का संचार, जंगल का विस्तार ही है, जंगल का सत्कार होना ही चाहिए। जंगल का सत्कार होना ही चाहिए, जंगल के चरित्र में हिंसा और भय नहीं है। जंगल के चरित्र में हिंसा और भय नहीं है, जंगल पूर्ण रूपेण सात्विक है। चुनाव की व्यवस्था से परे, चुनाव की व्यवस्था से परे उसके जीवन में मौलिकता का रस, अनुकूलता का सहचर्य एवं हजारों पीड़ा के बावजूद अवसाद से दूर है जंगल। शांति शोभा अतुलनीय संपदा है जंगल। आदमी आत्महत्या करता है, हत्या भी करता है, आदमी आत्महत्या करता है और हत्या भी करता है, लेकिन जंगल ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया है। लेकिन जंगल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। भारतीय चिंतन परंपरा में हर वृक्ष में एक देवता का वास है। हमारे परंपराओं में भी कहा गया है कि हर वृक्ष में एक देवता है, इसे जोड़ा गया है ऐसे। फिर भी हम मंदिरों में देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देव रूपी वृक्ष को काट डालते हैं। मतलब इसी से हमारी समझ और हमारा विवेक का परिचय हम देते आए हैं। इसमें से एक कविता सुनाती हूं, आदर्शवादी जंगल। मुझे लगता है कि जंगल आदर्शवादी है, उसके जैसा आदर्श किसी के पास नहीं है, मानव के पास उस तरह का आदर्श आ ही नहीं सकता। आदर्शवादी जंगल, अर्ध विकास आदर्शवादी जंगल, अर्ध विकास नकली प्रकाश से दूर, शांत सुदूर, ना ही क्रूर तत्काल से सर्वत्र, पवित्र से पवित्रतम, शिवमय पत्र एक छत्र, आदर्शवादी जंगल। ज्वर दस्त बमन से दूर, ज्वर दस्त बमन से दूर, सख्त और शक्ति संपन्न जंगल, रंगों से भरे हरे हरे जंगल के सुंदर नैनों में, काले घने मेघ रूपी काजल, जंगल के नैनों में काले घने मेघ रूपी काजल, दिव्य जल, जल दिव्य, दिव्य माना मैंने जल को, दिव्य जल, दिशा सजल, कहीं कोलाहल कहीं प्रबल, इतना बल बहुत बल है, क्योंकि त्याग है, उस त्याग करता है, वो निस्वार्थ है। निस्वार्थ व्यक्ति के पास बहुत ताकत रहती है ना। कहीं प्रबल इतना बल, चाहे पृथ्वी का मंगल, चाहे पृथ्वी का मंगल, शांत जंगल, जंगल बहुत शांत है, अहिंसक जंगल। अगर अहिंसा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ कि जंगल ही अहिंसक है। मनुष्य की वस की बात नहीं है कि अहिंसक हो जाए ना जंगल। और एक कविता सुनाती हूँ, हाँ ये कविता सुनाती। कोई बेचारा नहीं, कोई बेचारा नहीं, कोई पिंजरा नहीं, कोई बेचारा नहीं, कोई पिंजरा नहीं, कोई आचार संहिता नहीं। जंगल राज बोलते हैं हम लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल राज। लेकिन आप अगर जंगल राज की तुलना, जंगल राज बोल के हम जंगल को अपमानित करते हैं, लेकिन जंगल में जंगल राज नहीं है। वास्तव में कहां जंगल राज है वो सभी को प्रतीत होता है। कोई बेचारा नहीं, कोई पिंजरा नहीं, कोई आचार संहिता नहीं, कोई तानाशाह विधाता नहीं, सभी मुक्त हैं, सभी मुक्त हैं, अपने अपने कर्तव्यों के नैतिक आसन में नियुक्त हैं,
सभी मुक्त हैं अपने अपने कर्तव्यों के नैतिक आसन में, नैतिक आसन है में नियुक्त हैं। जंगल में चुनाव नहीं होता, जंगल का जड़, जंगल का पहाड़, विश्वास आस नहीं होता, जंगल कभी निराश नहीं होता, जंगल कभी निराश। नदियों के गहरे मन से, पहाड़ों के गंभीर तन से, संवेदना का झरना झरता है, जंगल सच्चा प्यार करता है, जंगल सच्चा प्यार करता है। इतना ट्रूथनेस है उसमें। ये बहुत सी कविताएं हैं इसमें, सभी ऐसी, ये बहुत सारी कविताएं तो मैं पहले सुना चुकी हूँ, याद भी नहीं है मुझे कौन सी सुनाई हूँ और अभी कौन सी सुनाना बाकी है। ये सुनाती हूँ मैं, छोटी सी कविता है। तुम खुद को सुन सकते हो, तुम खुद को सुन सकते हो, पत्तों के रेशों से, लताओं के लचक से, बेलों की कसक से स्वप्न बुन सकते हो। तुम खुद को सुन सकते हो, खुले खुले नभ में आकाश दीप, खुले खुले नभ में आकाश दीप, सब कुछ कितना समीप, पास है नदी वहीं पर नाव, पास है नदी वहीं पर नाव, उछल कूद करते हुए आपस में दो गांव, उछल कूद करते हुए आपस में दो गांव, प्रतीक्षारत पेड़ों की छांव, प्रतीक्षारत पेड़ों की छांव, यह कैसा भाव, यह कैसा भाव, मनुष्य के मन में क्यों इतना अभाव, मनुष्य के मन में क्यों इतना अभाव, यह प्रश्न कर रही हूं। अभी मैं जो अनुभव कर रही हूँ, ये हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं, आसपास जो आजकल घटनाएं सुनती हूँ, कुछ आप बीती कुछ देखने को मिलती हैं, उसमें तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मनुष्य के मन में क्यों इतना अभाव, इतना दरिद्र मन क्यों हो गया है, ये बार बार मेरे मन में आता है। जंगल और एक कविता सुनाती हूँ। अपूर्व शब्दावली को समझने वाले, अपूर्व शब्दावली को समझने वाले, उत्पीड़न को महसूस करने वाले, अपूर्व शब्दावली को समझने वाले, उत्पीड़न को महसूस करने वाले, अभ्युत्थान उत्थान चाहने वाले, अभ्युत्थान उत्थान चाहने वाले कब अवतरित होंगे पुनः, कब अवतरित होंगे पुनः, पुनः बुद्ध, कब हवा होगी पूर्ण रूपेण शुद्ध, कब अवतरित होंगे, ये प्रश्न है मेरा, कब अवतरित होंगे पुनः बुद्ध, कब हवा होगी पूर्ण रूपेण शुद्ध, जीवन जगत और जंगल को बचाने वाले, जीवन जगत जंगल को बचाने वाले, क्यों जंगल को जलाते हैं, जीवन जगत और जंगल को बचाने वाले क्यों जंगल को जलाते हैं, दूरदर्शी जन जंगल को बचाते हैं, जिनमें दूरदर्शिता है वो जंगल को हमेशा बचाए रखना चाहेंगे, है ना, दूरदर्शी लोग। इंसान के डरावने नुस्खे, इंसान जो भी देता है वो मुझे डरावना ही लगता है, इंसान के डरावने नुस्खे, तस्वीर में चौड़ी छाती फुलाए पहाड़, छवि में सफल समुद्र, छवि में सफल समुद्र,
छवि में बहती नदियां, छवि में ही रह जाएंगी लगता है मुझे कुछ दिनों बाद। सामंजस्य और संतुलन की उम्मीद, सामंजस्य और संतुलन की उम्मीद, वसुंधरा की संवेदना, जंगल का व्यक्तिगत पुरुषार्थ, जंगल का व्यक्तिगत पुरुषार्थ, पराक्रम की खोज में निकला विलुप्त धर्म, धर्म को मैंने कहा यहां विलुप्त, पराक्रम की खोज में निकला विलुप्त धर्म, मौन ने मौन की भाषा को, मौन ने मौन की भाषा को मनन से अनुवाद किया, मनन से अनुवाद कर दिया, चिंतन से अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त किया, चिंतन से अभिव्यक्त किया, अनुभूति ने अद्भुत संवाद किया, अनुभूति ने अद्भुत संवाद किया, उत्सव ऊर्जा सदैव प्रकृति के पास है, उत्सव ऊर्जा सदैव प्रकृति के पास है, नैतिक विश्वास है, जिसके पास नैतिक विश्वास है उत्सव ऊर्जा उसी के पास है। मनुष्य ने केवल अवसाद लिया, मनुष्य के ने केवल अवसाद लिया, विवाद किया, मनुष्य ने इनसे केवल अवसाद लिया, विवाद किया। प्रकृति ने कहा, प्रकृति ने कहा वृक्ष रहेगा पीपल रचेगा, वृक्ष रहेगा पीपल रचेगा, बुद्ध बनेगा ज्ञान रचेगा, बुद्ध बनेगा ज्ञान रचेगा, भूगोल रहेगा विज्ञान रचेगा, भूगोल रहेगा विज्ञान रचेगा, बचाओ जंगल को, बचाओ जंगल को, सब बचेगा, सब बचेगा, सब मिलेगा, सब बचेगा, सब बचेगा, सब मिलेगा। ये पंक्ति मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है, अपनी ही पंक्तियों को अच्छा बोलना ये अच्छी बात तो मुझे नहीं लगती है कि अपनी ही चीजों को बहुत बढ़ चढ़कर अच्छा बोला जाए, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ये पंक्ति अच्छी लगती है। भूगोल रहेगा विज्ञान रचेगा। एक कविता है मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, ये सुनाती हूँ, मुझे इसकी मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, ये पता नहीं कौन से मंच में सुना है, लेकिन सुनाती हूँ। गोदना और जंगल, गोदना और जंगल, जैसे गोदना गोदा लेती है आदिवासी कन्या, जैसे गोदना गोदा लेती है आदिवासी कन्या, गले में हार पैर में पाजेब बाजूबंद कमरबंद चूड़ियां, वैसे ही धरती के त्वचा में प्रकृति के सुंदर वृक्ष लताएं बेल बूटे, जिन्हें भी इन्हें भी गोदना की तरह धरती के चमड़े में चिपक और चिटक जाना चाहिए। जब तक ये औरतें जीवित रहेंगी, बहुत सुंदर लगती है आदिवासी औरतें, बहुत सुंदर, जब गोदना से वो उसको सोने चांदी के, मुझे ऐसा लगता है कि सोने चांदी के गहनों में भी वैसी चमक नहीं होगी जैसे आदिवासी महिलाओं के गले में गोदना चमकता है, गोदना गोदा के जो हार बनाती हैं वो जैसा चमकता है, मुझे नहीं लगता कि सोने चांदी में भी वो चमक होगी। ये मेरी अपनी भावना है, व्यक्त कर रही हूँ। गोदना चिटक जाना चाहिए जब तक ये औरतें जीवित रहेंगी, जब तक ये औरतें जीवित रहेंगी गोदना साथ रहेगी शोभा बनकर। वो उन्हें बहुत मूल्यवान और बहुत अच्छा समझती है। गोदना साथ रहेगी शोभा बनकर, धरती रहेगी प्रकृति को रहना होगा, धरती रहेगी प्रकृति को रहना होगा, धरती के देह में गोदना बनकर। धरती तुम अपनी देह में जंगल को गहना बना लो, धरती तुम अपनी देह में जंगल को गहना बना लो, पूरे देह में गोदना गोदा लो, पूरे देह में गोदना गोदा लो।
तो मुझे ये कविता बहुत अपनी पसंद है, और इसमें मैंने देखा है वो आदिवासी महिलाओं को, उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक बार मैं एक आदिवासी जगह में, सरगुजा बोल के जगह, वो आदिवासी लोग वहाँ बहुत रहते हैं और बहुत ही सुंदर और सरल लोग हैं वहाँ के। तो वहाँ पे एक जो एक नई लड़की, जैसे बोलते हैं उसको 15-16 साल की लड़की है, तो वो ऐसा हार ऐसा गोदना गोदा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है गोदना गोदाने में, तो इतना दर्द होता है तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? तो बोली दर्द नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं दर्द तो होता है। फिर मैंने उस जो बना रहा था उससे पूछा तो बोले बहुत दर्द होता है। वो कह रही थी कि नहीं होता है दर्द, क्योंकि वो दर्द होता है उसमें, लेकिन उसको उसको इतनी खुशी थी। वो बार बार मुझे कह रही थी, मैंने बोला तुम क्या क्या बनवाओगी? तो उसने कहा हार बनवाऊंगी, चूड़ी बनाऊंगी। और मैंने कहा ये तो मतलब इतने दर्द के साथ? तो बोली नहीं दर्द नहीं, बोली जब बन जाही ना तो बहुत सुंदर दिखी, मतलब उसी भाषा में बहुत देखबे कितनी सुंदर लगी, तो मतलब बहुत सुंदर लगेगा देखना बनने के बाद। और जब बन गया, उसने बनवा लिया और मैंने उसके चेहरे को देखा तो वो बहुत उत्साहित, और बोली देखा बोला था ना कितनी सुंदर लगी लगते ना। तो वो चीज मुझे अभी तक याद है, उसका चेहरा और उसकी मुस्कुराहट मुझे अभी तक याद है। वो इतनी खुश होकर, मतलब इतना दर्द सह लिया उसने, और वो उन गहनों को असली मान रही थी। बोल रही थी कि तुम लोग जो गहने पहनते हो ना वो तो चोरी हो जाते हैं, और वो चोरी हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना, ये तो हमारा, देखो हमने इनको इतना अपनाया है, ये हमारे मतलब शरीर के साथ ऐसा लगा हुआ है, है? तो मतलब कितनी अच्छी उसके, मतलब कितना उसकी भावना, और वो जिस तरह से अनुभव करके बोल रही थी, मतलब उसकी अनुभूति, मुझे ऐसा लगता है कि जब मौलिकता का सुख ही नहीं भोग पाते नकली लोग, वो कितनी मतलब इतना उस, हम इतने महंगे महंगे गहने, महंगी महंगी चीजों से, मतलब उसके दाम से हम चीजों का आकलन करते हैं, और वो कह रही नहीं नहीं ये असली गहने हैं। तो तब उसके बाद ये कविता मैंने लिखा था, अभी भी मुझे याद है वो चीजें। अब है एक सुनाती हूँ, हाँ, जंगल में खोई चीज, जंगल में खोई चीज जंगल के द्वारा लौटा दी जाती है, क्योंकि जो इतना त्याग कर सकता है वो कभी किसी दूसरे की चीजों को लेगा नहीं। जंगल में खोई चीज जंगल के द्वारा लौटा दी जाती है, मूर्ति शिल्प की अधूरी मूर्ति, मूर्ति शिल्प की अधूरी मूर्ति पतझड़ के बाद आए कितने सुंदर कोमल पत्ते, लकड़हारों के कुल्हाड़े, भूख के कारण समय की वेदना, क्या क्या लौटाता है जंगल, भूख के कारण समय की वेदना, अभी शेष है द्रुपद की परम चेतना, अभी शेष है द्रुपद की परम चेतना, क्या व्यर्थ कविता लिखी गई, क्या व्यर्थ कविता लिखी गई, क्या सब अकारण है, चिंगारियां टहनियां निर्वासित धमनियां, झूठे गीत बज उठा सत्य का संगीत, झूठे गीत बज उठा सत्य का संगीत, उसके पास है गहन रिक्त, उसके पास है गहन रिक्त, सूर्यास्त की लालिमा, सूर्यास्त की लालिमा, विस्तृत विराट की गरिमा, तुच्छ है जंगल के समक्ष देवलोक की महिमा, तुच्छ है जंगल के समक्ष देवलोक की महिमा, महाशून्य को भर सकता है जंगल, महाशून्य को भर सकता है जंगल, सब कुछ लौटा सकता है जंगल,
सब कुछ लौटा सकता है जंगल। तो नमस्कार, आज यही पे समाप्त करते हैं। देवेंद्र जोशी जी का बहुत बहुत आभार, और ये इस पुस्तक से अपनी सारी कविताएं सुनाई, अभी अभी प्रकाशित हुई है। नमस्कार।